हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चेरिस लक्स। तो आप मेरे लुक्स शायद पता कर ही चुके होंगे कि मैं किस लिए आज की ये व्लॉग्स बना रही हूँ। तो आज है 24 दिसंबर और कल है 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस। तो आप सभी को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस टाइम। तो मैं भी थोड़ी बहुत क्रिसमस मनाऊंगी, कल पिछली बार भी मनाई थी वो भी दिखाए थे। तो इस बार भी कुछ अलग सा, ये देखो मैंने कैसे किस तरह ये ट्री डेकोरेशन किया है। मैं थोड़ा बहुत कर ली है काम आप सब लोगों को दिखाई नहीं, बट अभी मैं वीडियो को ऑन किया और सोचा कि आप सबके साथ भी मैं शेयर कर दूँ। मैं सोची थी कि कल ही शेयर करूँगी, केक वेक काटूँगी वटूँगी कल। तो मैं आज से ही ये व्लॉग्स बना रही हूँ, कल भी दिखाऊँगी केक काटूँगी कल। तो अभी मैं देखो इस तरह से ये रूई से सजाया है और ये क्रिसमस ट्री लाइट और ये लाइटिंग इस क्रिसमस ट्री के ऊपर कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये मैंने रूई लाई है, थोड़ा थोड़ा करके सजा रही हूँ। पत्ते के ऊपर दे दिया, देखो बर्फ जैसी लग रही है पत्ते क्रिसमस ट्री के ऊपर। ये जो है ये सिल्क का रूई है, इसलिए ये बर्फ जैसी दिख रही है। चलो बहुत हो गया, और ज्यादा नहीं लगाऊंगी, ज्यादा लगाने से खराब लगेगा दिखेगा। हो गया, अभी मैं ये सब सजाऊंगी। ये देखो बहुत सारी मतलब गिफ्ट बॉक्स, ये ड्रम वगैरह बॉल वगैरह बहुत कुछ लाई है मैं, छोटे छोटे सांता क्लॉज बेल्स, जिंगल बेल्स। ये देखो जिंगल बेल्स, जिंगल बेल, जिंगल बेल, जिंगल ऑल द वे। पूरा गाना मुझे नहीं आता आप लोगों को अगर पता होगा तो पूरा गाना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, मैं बाद में वो गाना गा के आप सब लोगों को सुना दूंगी किसी और दिन तो चलो ये देखती हूँ क्या क्या कहाँ पे लगाया जाए, कहाँ कहाँ पे लगाया जाए। ये बहुत सारा है, सजाने में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि ये पूरा डेकोरेशन करने में भी बहुत टाइम लग रहा था। अभी बाकी का भी सजाने में बहुत टाइम लगेगा, मैं निकाल लेती हूँ देख करके, बाकी में फिर सजाने में आसानी होगी। ये गिफ्ट बॉक्स देख के मत सोचना कि इसमें कुछ है, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है गिफ्ट बॉक्स। इसे रख देती हूँ, शायद सांता क्लॉज मेरे लिए कोई गिफ्ट इसमें भेज दे, रख के जाए रात को अगर सोऊंगी तो। मैं जब छोटी थी तब भी यही सोचती थी, वो दरवाजे के ऊपर वो मोजे रखती थी, उसमें 1 रुपए की कॉइन डाल के सांता क्लॉज आएंगे और कुछ रख के जाएंगे कौन कौन करता था मेरे जैसा ऐसा ये मुझे जरूर बताता गाइस, जब बड़ी हुई तब पता चला सांता क्लॉज सिर्फ कहानियों में होते हैं, नहीं तो खुद का सपना खुद को ही पूरा करना पड़ता है। देखो सब बनाया हुआ है, सिर्फ इसको ऐसे टांग देना ही होता है, लेकिन कहाँ कहाँ टंगाऊं ये सब। तो गाइस अभी मैं पूरा ये सब बेल वगैरह सजा लेती हूँ, फिर आप सबको दिखाती हूँ मैं क्या क्या कहाँ कहाँ मतलब टंगाया, जो भी है सजाने के बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो जा जाओ पूरा सजाती हूँ। देखो मैंने कैसे डेकोरेशन किया है,
उतना अच्छा तो नहीं कर सकती, लेकिन जितना भी किया है मैं, मुझे लग रहा है कि अच्छा ही लग रहा है। आप सब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, पूरा देखो, देख के बताओ मुझे कैसा लग रहा है मेरा क्रिसमस ट्री। मैं एक बार लाइट ऑफ करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो लाइटिंग है ये मैं बहुत ही पसंद करके खरीदी है मैंने, तो ये मतलब लाइट ऑफ करके सिर्फ ये लाइट चला के कैसी लगती है ये मुझे अब सबसे पता चलेगा। तो गाइस देखो कैसी लग रही है धीरे में, पूरा डेकोरेशन, गिफ्ट बॉक्स वगैरह, बेल्स, सब कुछ, मतलब होल डेकोरेशन मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। आप सबको कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस तो चलो अब लाइट ऑन करती हूँ, मिलती हूँ मैं कल सुबह केक कटिंग के टाइम पे और क्रिसमस के टाइम पे। तो चलो मिलती हूँ कल सुबह को, ओके। तो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह फिर से रेडी होके आ चुकी हूँ। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, मेरा पूरा डेकोरेशन खत्म हो चुका है और ये देखो मेरे पास अभी, देखो पूरा क्लोजली दिखा रही हूँ कैसा डेकोरेशन हुआ है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस। मैं बहुत ही मतलब मेहनत करके ये सजाया है, मत बोलना कि अच्छा नहीं हुआ। तो मैं और एक चीज़ लाई हूँ, वो है मेरी क्रिसमस केक। देखो ये केक कैसी है, ड्राई फ्रूट्स कवर केक है ये, लेवन वाला केक कैसी है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, किस किस को मुंह में पानी आ रहा है केक को देखकर। मैं मुझे पता है सभी केक खाएंगे, तो चलो अभी मैं भी केक कटिंग करूँगी और खाऊंगी भी होंगी। आज बहुत खाने का बहुत एक बड़ा सा मेनू रखा है, वो है मटन। मुझे मटन चिकन बहुत पसंद है, आज मटन का झोल जो होगा ना, मटन कसा नहीं, मटन झोल और राइस, मुँह में पानी आ रहा है। तो चलो अभी केक कटिंग करती हूँ, उसके बाद बाकी का खाना खाऊंगी ना। निकला नहीं ये निकला, आप लोग के खाओ 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 खाओ, खिला रही हूँ प्यार से। अभी मैं खाती हूँ, खुद ही केक खाना पड़ेगा, इतना बड़ा सा केक मैं अकेली ही खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी। बहुत ही यम्मी है। तो चलो बाकी का केक भी खत्म कर लेती हूँ, मिलते हैं फिर से दोपहर को खाने में। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है मेरा खाना, ये देखो मटन और ये है आलू मटन झोल, अभी मैं राइस के साथ खाऊंगी। ये मेरा लंच है, अभी मैं खाने बैठ गई थी, भूल गई थी तो वीडियो करना। तो इसके साथ मेरे पास ड्रिंक्स भी है, ये है लीची ड्रिंक और ये है मैंगो ड्रिंक प्राण का, और दही भी है, दही भी खाऊंगी। ये देखो दही, दही भी रखा हुआ है, ये देखो जो खीर दही मैंने मेला से लाया था, लाई थी वो जो फूड मेला, वो भी खाऊंगी। तो अभी पहले ये खा लेती हूँ फिर ये जूस वगैरह सब कुछ ही ख़त्म करूँगी। तो गाइस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में, तब तक के लिए वेट करो और एंजॉय करो।